हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई स्टडी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय श्वेता जैन। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में हम विकास की अवस्थाएं, यानी कि हमने इससे पहले वाली क्लास में विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बारे में हमने बात की थी। शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बात की थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी वो हमने इससे पहले वाली क्लास में पूरा डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में हम उन विशेषताओं में जो कमियां थी, जो भी मतलब वो थी, उसको शिक्षा मनोविज्ञान में, मतलब शिक्षा का महत्व के अंतर्गत उसको हम कैसे दूर करेंगे और उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे आज की क्लास में। कि शैशवावस्था में शुरुआत होती है, कि विशेषताएं उसमें जो होती है, उसमें जो चेंजेस होते हैं बच्चों में शैशवावस्था में, और क्या क्या बच्चा करना चाहता है, और उसको उचित मार्गदर्शन उसका कैसे हो, तो इससे वो अपनी क्वालिटियों को निखारे और क्वालिटियों को बढ़ाए और अच्छा प्रदर्शन कर पाए, बच्चा आत्मनिर्भर बन पाए, अच्छा हर चीज में जा सके, इसके लिए शिक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। एक कोई व्यक्ति को शुरू से बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो उसका अच्छा भविष्य बनाएगी बच्चे का, और आने वाले टाइम में उसको एक अच्छी सोच, अच्छी विकसित समझ उसे मिल पाएगी शिक्षा के द्वारा। ये सब काम ऐसा नहीं है कि बड़े होके ही हम ये सब चीजें सीखें। एक जो बचपन से जो शिक्षा उसमें चलती आएगी, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो घर परिवारों से मिलते हैं, यानी कि घर से जो छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं। मैंने फिर शैशवावस्था में बोला भी था कि 3 से 5 जन्म के उपरांत ही बच्चा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है बच्चा, और 5 साल तक, यानी कि 6 वर्ष तक के पहले पहले शैशवावस्था का काल कहलाता है। उसमें बच्चे को जितना हम सिखा सकते हैं, मतलब उससे 12 वर्ष के पहले दुगना सीख सकता है बच्चा, इतनी कैपेसिटी होती है शैशवावस्था काल में। तो उसमें शिक्षा हम जितनी से अच्छी घर परिवारों में माता पिता के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, या विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा शिक्षा अच्छी से अच्छी दी जाएगी, तो वो बच्चे शुरुआत से ही उस चीज का स्मरण करते हुए, उस चीज को अपनी सोच को समझ को विकसित करते हुए आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छा मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम पूरी क्लास में बात करने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में तो लगता है कि बहुत इजी है, इसमें क्या है, 4 ऑप्शन हैं और ये टिक करना है और बस हो गया, ये तो इजी है, ये हम बाद में कर लेंगे। अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो पेपर की तैयारी करते हैं तो वो और सब्जेक्टों को प्राथमिकता पहले देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राथमिकता नहीं दें, लेकिन उन लोगों को ये लगता है कि अपनी टेंडेंसी बना लेते हैं कि वो जो मैथ्स है या रीजनिंग है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है तो वो उस चीज को जल्दी जल्दी पहले निपटा लेते हैं और फिर ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो इजी है। और लेकिन जब हम करने बैठते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठेंगे, उसमें जब 4 ऑप्शन आएंगे तब आपको लगेगा ये तो इसमें ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, उसके लिए ये भी पढ़ना जरूरी है। देखो, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट होता है और हर चीज की स्टडी करना बहुत जरूरी होती है। बिना स्टडी करे हम किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। तो ये तो बात एक जनरली हो गई, ये तो चलती रहेगी, आगे की क्लासों में भी चलती रहेगी। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, शैशवावस्था में शिक्षा का महत्व क्या है, इन पे हम थोड़ा गौर करेंगे और हम किस तरह से इनको बताएंगे। तो काफी पॉइंटों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। काफी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं शिक्षा का, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और बच्चे को शुरू से उसकी कैपेसिटी अच्छी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे उचित वातावरण की। उचित वातावरण से हम समझ सकते हैं कि घर में या बच्चे को या विद्यालय में, जो बच्चा हमेशा शांत वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा कुछ सीखना चाहता है, अगर अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा बच्चे को तो बच्चे का ध्यान और की बातों में चला जाता है और बच्चा शिक्षा से भटक जाता है। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी होगी कि घर में हम अपने बच्चों के लिए अच्छा वातावरण उनको प्रोवाइड कर पाए, और विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के लिए उचित, बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या चाहता है, कैसा उसको मतलब सहज महसूस कर रहा है, कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वातावरण होना चाहिए। ये शैशवावस्था में शिक्षा द्वारा हम इसकी पहल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उचित व्यवहार।
उचित बच्चा व्यवहार जो अच्छा होता है उससे जो अच्छा बोलता है बच्चा उसी को पसंद करता है। और ये एक शैशवावस्था काल की बात है तो इसमें तो बच्चे को समझना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा कभी भी मतलब कोई भी डिमांड कर सकता है, तो बच्चे को साथ उचित व्यवहार शिक्षकों को विद्यालय में करना चाहिए और घर में माता पिता को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए उनके प्रति। उनके प्रति कभी भी डांटना या क्रोध भय या किसी चीज से डराना, अक्सर देखा गया है कि बच्चों को हम कुछ करने से पहले ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करो, इस तरह से हम क्या डर भय दिखाते हैं। दिखाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मतलब बच्चा इतना ना डर जाए उससे। इस तरह से व्यवहार के रूप में हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों के लिए कैसा व्यवहार उनके लिए उनको देना है, इसलिए उनकी सोच अच्छी बने, ना कि वो आपके डराए हुए क्रोध भय से इतना डर जाएं कि वो आगे कुछ कर ही ना पाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जिज्ञासा की संतुष्टि। मैंने शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में जब बात की थी तो जिज्ञासा की सारे टॉपिक ही नॉर्मली जो कॉमनली है, जिज्ञासा की संतुष्टि यानी कि शैशवाकाल अवस्था में बच्चे के अंदर हर एक चीज को लेकर जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है कि वो कैसे है, ये कैसे हुआ और उसकी मतलब क्या कैसे, ये पूरी प्रोसेस होती है जानने की। वो चाहे चीज छोटी हो या बड़ी हो या कोई बात हो या कुछ भी हो सकता है वो। तो जिज्ञासा की संतुष्टि को लिए घर में भी बच्चा अक्सर कोई क्वेश्चंस पूछता है तो बड़े लोग अक्सर ज्यादा मतलब पूछता है तो उसके बारे में बाद में बात करना है, ऐसे नहीं, मतलब इस तरह से नहीं, कई पॉसिबल हो जहां तक पॉसिबल हो तो बच्चों की जो क्वेश्चंस का जो बच्चे पूछ रहे हैं उनका आंसर हमें देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने आंसर नहीं दिया तो बच्चे हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और उनके क्वेश्चनों का समाधान जब तक नहीं होगा तो बच्चे के अंदर वो किसी चीज में मतलब और अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको जिज्ञासा की संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से विद्यालय में भी शिक्षकों से जो भी बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका एक सही तरीके से सही जवाब उनको देना चाहिए, यानी कि बच्चे की संतुष्टि उनको करना चाहिए पूरी। और इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे वास्तविकता का ज्ञान। देखा गया है स्कूल में कि मॉन्टेसरी क्लास वगैरह में क्या है, कहानी, परियों की कहानी को सिलेबस में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि बच्चे इस एज में काल्पनिक अवस्था में रहते हैं, यानी कि वो कहानियों में डूबे रहते हैं, उनको मतलब कुछ भी सोचते हैं कि ऐसा होगा, जबकि वो वास्तविकता का ज्ञान तो नहीं होता है, वो एक कहानियों में होता है। इसीलिए क्या है, मॉन्टेसरी में एक अच्छा ऐसे सिलेबस होना चाहिए जो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराए कि क्या वास्तविक है। तो इसीलिए इस चीज का भी ध्यान बच्चों को, पेरेंट्स को और विद्यालय में शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना, उनके बच्चे की वास्तविकता का ज्ञान उनको कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना के विकास में मैंने विशेषताओं में भी बताया था कि बच्चा इस एज में दूसरे बच्चों के साथ खेलने की उनके अंदर इच्छा होती है, वो उनसे उनके साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें। तो इस चीज के लिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय में सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं तो उनको एक खेलने का वो एनवायरनमेंट भी देना चाहिए। बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, इससे क्या है सामाजिक भावना बच्चों में उस एज से आना चालू हो जाती है। अगर हम उस एज में इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा बड़ा होकर भी उसमें ये चीजें आने में बहुत कठिनाई होती है, तब वो बाहर जाकर हर किसी में ढलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इस टॉपिक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए स्कूल में भी कि वो सामाजिक भावना का विकास बच्चे के अंदर कैसे हो, इन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रियाओं द्वारा शिक्षा। बच्चे को इस समय कभी अपने अंदर से इंटरेस्ट जो है उसका, जो कुछ करना चाहता है वो, क्यों उसे कभी कभी करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमेशा बोले कि ये करना है आपको तो वो बच्चा इजी गोइंग तरीके से वो आपकी बात मान ले और बच्चा वही करे, ऐसा नहीं। कभी कभी बच्चे को अपने अंदर से जो हो रहा है उसे संतुष्टि तभी तो पूरी होगी जब वो चाहता है उसने कर लिया। अगर सही है गलत है उसका मार्गदर्शन शिक्षकों और पेरेंट्स को करना चाहिए, लेकिन बच्चे को कभी कभी अपनी इंटरनल जो इच्छाएं हैं उसकी बच्चे की वो भी उसे करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे मानसिक क्रियाओं का अवसर। मानसिक क्रियाओं को बच्चे को क्या है, कभी कभी किसी टॉपिक पर ये नहीं कि उसने तुरंत पूछा और अपने तुरंत उसको आंसर दे दिया, कुछ वो अंदर से भी मतलब थोड़ी सी कोशिश करे कि ये चीज आखिर है क्यों है, वो भी सर्च करेगा, कुछ चीजें खोजेगा, तो उससे क्या उसके अंदर मानसिक क्रियाओं की जो अंदर जो हो रही है उसकी एक क्वालिटी निखरेगी और वो एक जानने की कोशिश, अगर हम उसको
बता देंगे ऐसे ही। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, अगर किसी को भूख लगी है, अगर किसी को भूख लगी है और हमने उसको थाली परोस के दे दी, तो वो कभी ये दिमाग नहीं लगा पाएगा कि मतलब उसमें क्या करना है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कभी उसको ये भी बात होगी, जानने की कोशिश की ये कैसे हुआ क्या हुआ। तो एक ये तो बड़ों की बात हो गई, हम बच्चों की बात करें तो मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत यही आएगा कि उनको भी इतने किसी टॉपिक के ऊपर सोचने के लिए थोड़ी देर उनको छोड़ देना चाहिए कि आखिर उनकी सोच किस लिमिट तक जा रही है। तो इस तरह से शिक्षा के द्वारा मानसिक क्रियाओं का जो उनकी संतुष्टि कर सकते हैं। खेल द्वारा शिक्षा काफी इम्पोर्टेंट है। बच्चे को इस एज में काफी चीजें खेल द्वारा ही सिखा सकते हैं, मतलब उनके अंदर पूरी जो चीजें होती हैं, खेल में बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो कुछ चीजें ऐसा सिलेबस जरूर होना चाहिए और है स्कूलों में कि बच्चे को खेल खेल में अच्छी जानकारियां, रोचक जानकारियां, कहानियों द्वारा, चित्र पहेलियों द्वारा, इस चीजों के बच्चा खेल खेल में ही बच्चा सारी चीजें सीख जाता है। तो इसका जरूर होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण बच्चे में, एक अच्छी आदतों का निर्माण तभी होगा जब हम उसके, जो बच्चा जैसा देखता है वैसा उसके अंदर गुण आने लगते हैं। और इस काल में, शैशवावस्था काल में, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। तो इसमें हम घर पर पेरेंट्स को और विद्यालय में शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को वो हमेशा अच्छी आदतों का, बड़ों का आदर करना, और अच्छी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें हमेशा बताना चाहिए। तो इस चीज से वो शुरू से बताई जाएगी तो वो चीज उनके अंदर आएगी। और इसके बाद हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मनिर्भरता का विकास के बारे में हम बात करें तो उनको, बच्चे को अपना मतलब अपनी स्वयं की रक्षा और अपने भाई बहनों की रक्षा, जो चीज जिस काल में आ जाती है शैशवावस्था काल में, इस चीज का बोध उन्हें खुद होना चाहिए। और इस चीज शैशवावस्था काल में इस चीज की अच्छी प्रबल शक्ति होती है और आती है, तो इस चीज को थोड़ा बहुत बच्चों को अपने आप से ही करने देना चाहिए। तो आज के पूरी क्लास में हमने शैशवावस्था की जो विशेषताएं थी उनको शिक्षा के अकॉर्डिंग हमने समझाने का प्रयास किया कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए। और काफी सारे टॉपिक थे, एक बार नजर डालते हैं पूरे टॉपिकों पर, पूरी कौन कौन सी जो शिक्षा का महत्व है। उचित वातावरण, उचित व्यवहार, जिज्ञासा की संतुष्टि, वास्तविकता का ज्ञान, सामाजिक भावना का विकास और क्रियाओं द्वारा शिक्षा, मानसिक क्रियाओं का अवसर, खेल द्वारा शिक्षा और अच्छी आदतों का निर्माण और आत्मनिर्भरता का विकास। तो ये तो हुआ शैशवावस्था की शिक्षा के द्वारा ये कैसे। तो आप पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे ये काफी, इसमें इसके बाद चैप्टर के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लूंगी मैं आपके साथ और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा थ्योरी क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इसके बाहर बनेंगे और हम पूरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करने का उसमें प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।